दोस्तों, सनमार्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी। नेक्स्ट वन इज ओर। व्हाट इज ओर? ओर इज नथिंग बट दोस्तों, कोई पर्टिकुलर रॉक है, कोई पर्टिकुलर मिनरल है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल प्रेजेंट है, वो जो पर्टिकुलर मिनरल है उसको हम लोग बोलते हैं ओर। अ मेटल बेयरिंग मिनरल फ्रॉम विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली इज नोन एज ओर। मतलब एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो जो पर्टिकुलर मिनरल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर। द ओर्स आर जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फोस्फेट, सिलिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। से फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नेशियम ऑक्साइड लाइकवाइज। द ओर्स हैविंग हाई मेटल कंटेंट आर टर्म्ड एज रिच एंड दोज हैविंग अ लो मेटल कंटेंट आर टर्म्ड एज लीन। मतलब जिसके पास ज्यादा मेटल कंटेंट है उसको हम लोग बोलेंगे रिच ओर, जिसके अंदर लोअर मेटल कंटेंट है उसको हम लोग बोलेंगे लीन ओर। नेक्स्ट वन इज ओर ड्रेसिंग। फ्रेंड्स, ड्रेसिंग मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। द एफिशियंट यूज ऑफ ओर इन एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम इट कैन बी मेड इफ इट इज ऑफ करेक्ट साइज, रिचनेस एंड कंपोजिशन। इन एन एट सेल्स हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी पर्टिकुलर ओर है उसमें से हम लोग करेक्ट साइज की मेटल, करेक्ट रिचनेस की मेटल एंड जो हमको कंपोजिशन चाहिए वो कंपोजिशन वाली मेटल हम लोग बनाएंगे, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओर ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ साइजिंग द ओर एंड देन रिमूविंग अनवॉन्टेड इंप्यूरिटीज फ्रॉम इट इज नोन एज ओर ड्रेसिंग। मतलब अनवांटेड इंप्योरिटीज हम लोग रिमूव करेंगे, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओर ड्रेसिंग। द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ द ओर इज टू क्रश द क्रूड मिनरल सो दैट इट इज रिड्यूस इन साइज टू स्मॉल लम्स ऑफ बिटवीन 10 एंड 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली ट्रीटमेंट क्या होगी? जो भी बड़े बड़े मिनरल कंटेनिंग रॉक है उसको हम लोग क्रश करेंगे। क्रशिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्रशर अवेलेबल है। से फॉर एग्जाम्पल रोल क्रशर, टूथ क्रशर, ग्राइंडरी क्रशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने जो देखा है वो देखा, हमको एक मेटल बेयरिंग रॉक मिलते हैं, मतलब ऐसा रॉक जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर रॉक हमको कहां से मिलता है। नाउ उसको हम लोग क्रश करेंगे, क्रश करके उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से हम लोग जो पर्टिकुलर मेटल हमको चाहिए वो मेटल हम लोग बनाएंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रोस्टिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ हिटिंग द ओर बिलो द फ्यूजन पॉइंट इन एक्सेस ऑफ एयर। दोस्तों, ये आपको याद रखना जरूरी है, इन रोस्टिंग हम लोग जो ओर है उसको बिलो फ्यूजन पॉइंट उसको हीट करेंगे। फ्यूजन मतलब मेल्ट, इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर का फ्लो वहां पे रहेगा। एयर हम लोग इसलिए डालते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, वो जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज हम लोग रिमूव करते हैं बाय फॉर्मिंग वॉलेटाइल ऑक्साइड्स। द पर्पज इज टू चेंजिंग द ओर इन टू द ऑक्साइड्स एंड एट द सेम टाइम अदर इंप्योरिटीज लाइक एस, एस, एसबी एक्सेट्रा are also oxidized and removed in the form of volatile oxides. तो जो भी impurities है ऐसे एस है, एस बी है, उसको हम लोग volatile oxide form करके उसको remove करेंगे।
Say for example, sulfide ores are generally oxidized by the process of roasting. Zinc blend ZnS is roasted in order to change into zinc oxides. So this is an example how we can remove sulfur. Sulfur is removed by forming sulfur dioxide, and this metal is converted into zinc oxide. So next process is calcination. The calcination is nothing but it is a process of heating the ore very strongly but at a temperature insufficient to melt it in the absence of air. यहाँ पे भी दोस्तों melting point के below हमको एक particular metal को heat करना है but most importantly in absence of air. जो हमने रोस्टिंग देखा था वहां पे क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, बट इन कैल्सिनेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर. द पर्पस ऑफ कैल्सिनेशन इज टू रिमूव मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर. द पर्पस ऑफ कैल्सिनेशन इज जो भी मॉइस्चर ओर के अंदर प्रेजेंट है, जो भी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज ओर के अंदर प्रेजेंट है वो हमको रिमूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनेट ओर्स आर जनरली कैल्साइंड व्हेन दीज आर डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड व्हाइल द कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल इंप्योरिटीज आर गिवन ऑफ. से फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनेट ओर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज हीटेड below its boiling point. Oxide ores are calcined with a view to drive off moisture and other volatile matters. Say for example, Fe2O3 thrice of H2O. This moisture is removed by heating below its melting point and we can get Fe2O3 plus thrice of H2O. ZnCO3 can be calcined and converted into zinc oxide and carbon dioxide. And finally, dosto, we are based at Vadodara. If you are studying in GTU, MSU or any other university, you can join Sanmars Engineering classes. For the inquiry, you can do WhatsApp 940-800-9000. Even you can WhatsApp to 9429-800-900. You can visit our website www.sanmars.org. Thank you very much for watching. Keep studying. Bye-bye.